नमस्कार दोस्तों, आईएन टॉक्स में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। नमस्कार कपिल कुमार जी, से हम जानेंगे G20 शिखर सम्मेलन से भारत की क्या संभावना है और क्या अपेक्षा है, और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत का और क्या मुस्तकबिल बेहतर होने वाला है। तो चलिए सीधी बात करते हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी से। पहले तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि जो इस बार का सम्मेलन है उसके जो उद्देश्य हैं, और उनको फिर मैं एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रख करके जी क्या क्या समस्याएं हैं G20 के सामने जी, क्योंकि कई अंतर्विरोधी विचार मौजूद हैं, इसलिए उनको कैसे निदान के लिए क्या रास्ता हो सकता है उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा जी। G20 के जो उद्देश्य भारत ने इस समय दिए, ऊर्जा, खाद्यान्न, आतंकवाद, और इन सबके समावेश करके जो एक अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि एक दुनिया, एक परिवार और सबका भविष्य एक, ये केवल भारत ही कर सकता है, क्योंकि भारत ने किसी को कभी अपना उपनिवेश नहीं बनाया, भारत ने कहीं जाके किसी देश का शोषण नहीं किया, और उस समय से हजारों साल पहले से, जबकि और संस्कृतियां दुनिया की पैदा भी नहीं हुई थी, भारत ने वासुदेव कुटुंबकम की बात की कि सब जो परिवार है दुनिया। और इसको अगर आप देखें कि जो बात की हमारे प्रधानमंत्री ने भारत को विश्वगुरु बनाने की, वो विश्वगुरु बनाने की बात भी हमारे प्रधानमंत्री ने ये नहीं कही कि हम विश्व को आर्थिक रूप से डोमिनेट करना चाहते हैं या हम सैनिक ताकत से विश्व को डोमिनेट करना चाहते हैं, बल्कि हम विश्वगुरु भारत दुनिया के इसलिए बनना चाहते हैं कि हम दुनिया के अंदर शांति, समृद्धि और एकता दुनिया के अंदर ला सके। हम भारत की इस प्राचीन परंपरा को, अपनी सांस्कृतिक परंपरा को, जो हजारों साल भारत ने पहले दी थी, उसको फिर एक ऐसे समय में विश्व के अंदर, जबकि विश्व संकट में जूझा हुआ है, विश्व युद्धों में जूझा हुआ है, विश्व एक बार फिर से आर्थिक रूप से दूसरों पे अपना प्रतिनिधित्व, या जिसे मैं कहूंगा कि मेंटल स्लेवरी, के दिमागी रूप से गुलाम बनाने में लगा हुआ है, तो ऐसे समय में भारत द्वारा ये मोटो दिया जाना G20 समिट का और इन एजेंडाओं को सामने ला करके रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऊर्जा विश्व के सामने समस्या है, और भारत ने जो ऊर्जा के क्षेत्र में किया है इस समय, के उदाहरण देकर के जो भारत की वो पंचक्की विंड मिल वाली स्कीम है, या जो सोलार एनर्जी को लेके भारत ने जिस तरीके से, कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत जैसा देश इतना आगे बढ़ जाएगा कि दूसरे देश उस पे उसकी सहायता के लिए आएंगे कि उनको कैसे किया जाए। और खाद्यान्न के क्षेत्र में मुझे वो जमाना याद है जिस समय 65 का काल था 64 का काल था, कि जब भारत मोहताज हो गया था एक एक दाने के लिए, और जब शास्त्री जी ने उस समय नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और जो भारत के किसान ने फिर उसके बाद उन्नति की है, और जिस परिपेक्ष में आज भारत खड़ा है, और आज जिस प्रकार की सहूलियतें भारत के अंदर किसान को मौजूद है, इस तरीके की सहूलियतें विश्व में कहीं भी मौजूद नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना है कि किसी दूसरे देश के अंदर किसानों के ऊपर जो ऋण है उसको माफ कर दिया जाए, या खाद जो है सब्सिडी पे दी जाए। और ठीक है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसको देखते हुए भी जो हमारी आर्थिक स्थिति है इन क्षेत्रों के अंदर, वो काफी मजबूत है। मैं समझता हूं हम पे शायद इतना खाद्यान्न भंडार है कि 4 साल तक हम अपनी आबादी को जो है खिला सकते हैं। तो इसलिए भारत का इस रूप में सामने आना और एक नेतृत्व दुनिया को देना, एक संदेश दुनिया को देना, मैं समझता हूं G20 की एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, चौथी बात आई है आतंकवाद की। जितना हमने आतंकवाद को झेला है, शायद विश्व में किसी और देश ने इस तरीके से नहीं झेला, एक लंबी अवधि से आप लगा ली, और जिस तरीके से हम उससे लड़ भी रहे हैं। एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि आतंकवाद एक ऐसी चीज है, इसको जड़ से समाप्त करना बहुत मुश्किल है,
जो कई बार लोग कहते हैं ना कि फिर घटना हो गई, फिर घटना हो गई, अरे भाई कोई निकल करके और एक गोली चला के और भाग जाता है, लेकिन आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो सबसे मूल चीज है वो उस मानसिकता को नष्ट करना है जो मानसिकता आतंकवाद को पैदा करती है, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, जब तक वो मानसिकता समाप्त नहीं होगी आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। और इस मानसिकता को खत्म करने के लिए, इसीलिए ये जो संदेश है वासुदेव कुटुंबकम का कि भाई समय, विवेकानंद जी ने शिकागो कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरीके से भारत के बारे में बताया था कि भारत ने दुनिया में सबको शरण दी है, हमेशा हर एक का आदर किया है हमेशा, आज वही बात भारत एक बार दोबारा जो है विश्व के सामने दोहरा रहा है एक इतनी बड़ी G20 की कॉन्फ्रेंस को लेकर के जी। तो मैं समझता हूं कि जो चारों मोटो रखे गए हैं जी, हमारी जो इस समय की, इस समय का नेतृत्व है भारत के अंदर जी, कि मोदी जी का है, और इसमें अगर मैं कहूंगा जयशंकर जी का नाम मैं लाऊंगा एज फॉरेन मिनिस्टर जी, उन्होंने ये भी दिखाया कि वो कितना मजबूत है विदेशी ताकतों के सामने, भारत को तटस्थ रख के और भारत के हिसाब से निर्णय लेना, और उसके बाद कोई विरोध करता है तो उसको दिखाना कि हम किसी खेमे में नहीं है, हमारे जो अपना देश का स्वार्थ है जी, जो इंटरेस्ट है हमारे देश के जी, और उसी के साथ साथ जो हमारे देश के इंटरेस्ट है जी, वो दुनिया की विश्व शांति से अलग नहीं है, तो वो उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भारत का जो है मैं समझता हूं इस कॉन्फ्रेंस में रहेगा। और अभी जैसे विदेश मिनिस्टर्स की जो मंत्रियों की जो भी मीटिंग हुई है जिसमें यूक्रेन को लेकर के जिस तरीके ने भारत ने कोशिश की, हर कोई भारत की तरफ देख रहा है, तो भारत की एक भूमिका G20 के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उभर के आई। और मुझे एक उम्मीद है कि जिन उद्देश्यों से G20 बनी थी, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि इसके जो प्रारंभिक उद्देश्य थे आर्थिक रूप से 1999 में इसकी वो की गई थी, पहले तो खाली वो मिनिस्टर ही फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी जिसको बाद में हेड ऑफ स्टेट के तौर पे लाया गया, और उस समय जो उद्देश्य रखा गया था कि जो औद्योगिक देश हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, और जो विकासशील देश है डेवलपिंग, उनके बीच में एक सामान्य स्थापित हो और ये जो आर्थिक विकास हो ये समान रूप से हो, और फिर धीरे धीरे इसके अंदर कुछ और चीजें जुड़ती जोड़ी गई कि एक स्थिरता आए, एक कोऑर्डिनेशन हो, पॉलिसी एक सी हो, या किसी भी देश के अंदर जो आर्थिक संकट है वो ना आ पाए, उसको अवॉइड किया जाए, और इसके अंदर कलेक्टिव एक्शन की भी बात हुई कि मिलकर के कार्य करेंगे, सबके फायदे, बेनिफिट फॉर ऑल, सबके फायदे के लिए काम करेंगे, इन चीजों को लेकर के चली। और फिर मैं समझता हूं कि 2014 आते आते इसमें एक और बहुत चीज इन देशों में जुड़ी थी, वो थी ग्रीन क्लाइमेट फंड का क्रिएट किया रह जाना कि जो वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों से बचने के लिए क्या क्या किया जाए, उसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई। और इसी के साथ साथ 2015 में जब कॉन्फ्रेंस रही तो उसमें आतंकवाद को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन एक नतीजा, एक रणनीति जो क्लाइमेट पे, वातावरण पे निकल आती है पर्यावरण को बचाने के लिए, वो आतंकवाद पे नहीं निकल पाती। तो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या आज ये है कि G20 को भी देखिए, UN तो एक तरीके से डिफंक्ट हो चुका है, उसका कोई असर नहीं है। मैं तो हंस रहा था उस दिन कि एक वो फेक देश की कोई वहां पे प्रतिनिधि जी ने वहां पे बैठ गई भारत के गाली निकालने की, कैलाशा क्या हुआ, नित्यानंद स्वामी ये क्या नाम है उसका, वो लेकर के। लेकिन जिस तरीके से G20 आगे आ रहा है तो इस G20 को लेके G20 को आतंकवाद पे एक निर्णय लेना होगा, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो आतंकवाद का प्रयोग करते हैं या प्रयोग नहीं करते जानते हुए भी, पाकिस्तान है, सब जानते हैं कि वहां पे आतंकवाद की फैक्ट्री है, वहां पे आतंकी पैदा किए जाते हैं, उनको फाइनेंस किया जाता है,
उनको एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों के अंदर। अमेरिकी प्रेसिडेंट कैंडिडेट निकी हेली ने जो कहा है, वो कहा और ये तो सब जानते हैं भाई, वो कहां पकड़ा गया था बिन लेडन जो है, कहां छुपा हुआ था। तो उस स्थिति में जबकि दुनिया भर में कहीं भी आतंकी पकड़ा जाता है पाकिस्तान से संबंध निकल आता, तो G20 को इसमें निर्णय लेना होगा कि भारत केवल पाकिस्तान को कश्मीर या पाकिस्तान जो अल्लाह मचाता है कश्मीर को लेके उस वजह से विरोध नहीं कर रहा, लेकिन भारत ने लगातार सबूत पेश किए हैं कि आतंकवाद का जो खतरा है सारे विश्व को खतरा है, केवल भारत को नहीं है, और अब तो पाकिस्तान खुद भी खतरा है। भाई ये वो हाल है, मैं समझता हूं कि जैसे आपने वो कुछ लोग रख लेते हैं ना उगाही करने को, कोई दादा रख लिया मोहल्ले के अंदर और जिस दिन वो उगाही नहीं कर पाता तो उसी के गर्दन पे चाकू रख देता है कि भाई आज की दिहाड़ी निकाल मेरी पूरी लेकर। तो जब तक ये नहीं समझा जाएगा कि ऐसे राष्ट्रों को भी, ऐसे देशों को भी, ऐसी राजनीति को भी जो आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, और इसके अंदर मैं समझता हूं कि भारत चीन को भी अच्छी तरह समझा चुका है, क्योंकि हम ज्यादातर बात पाकिस्तान की करते हैं आतंकवाद की, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चीन भी भारत के अंदर किस तरीके से आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है। तो चीन को अपना मुखौटा बदलना होगा। अगर G20 में चीन वास्तव में चाहता है विश्व शांति तो अपना चीन को मुखौटा बदलना होगा, और मैं समझता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है जिस कड़ी भाषा के अंदर भारत ये संदेश देता है वो संदेश G20 में भी आतंकवाद को लेकर के दिया जाएगा, और यही और देशों को भी, मान लीजिए टर्की है मेंबर इसका, टर्की को भी दिया जाएगा कि टर्की क्या कर रहा है, किस तरीके से अलकायदा ISIS वगैरह का सबका वो शर्म का वो बन गया है, जाकर के उन चीजों को सामने रखा जाएगा इसके अंदर। और अब एक बात जो कलेक्टिव एक्शन और उसकी बात आई थी कि सबका भले के लिए काम किया जाए, तो इसके लिए जो बड़ी ताकतें हैं उनको भी अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा लेकर के। फॉर एग्जाम्पल फार्मा इंडस्ट्री, दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री जिस तरीके से दुनिया को मोनोपोलाइज करके और अपनी कीमतें बढ़ा करके और इस तरीके से चलती है, उसका जवाब तो भारत ने साबित किया कोविड के दौरान, अपना कोविड का वैक्सीन बना करके और कितने कम दामों पे बना करके दुनिया के सामने रखा। इन देशों को अपनी भी कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, कि अगर उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ये बात के इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग के बीच में तालमेल होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ये तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया है फार्मा क्षेत्र का, क्योंकि मैंने खुद कुछ ऐसी चीजें देखी हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि मैं किसी देश में था तो वहां पे सब कुछ बाहर से आता था, दवाई हो, अस्पताल का बेड हो, ऑक्सीजन की बोतल हो, नली तक हो, टेस्टिंग मशीन हो, सब बाहर से आता था। तो मैंने ही देखा कि जो भारत के अंदर उसकी कीमत है उसकी कम से कम 50 गुनी 60 गुनी कीमत पे वहां आता है, तो देखा उसके पीछे कोई माफिया काम कर रहा दूसरे देशों से लेने। तो उन देशों को ये नीति बनानी पड़ेगी अपनी कि उनकी जो फार्मा इंडस्ट्री है, और फार्मा इंडस्ट्री पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि स्वास्थ्य जो है जब हम मानव जीवन की बात करते हैं और सबके भले की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। एक बार को शिक्षा भी पीछे रखी जा सकती है लेकिन अगर जीवन के लिए स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ी चीज है तो इसलिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें हैं उन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं भारत ने ये उदाहरण ही नहीं दिया है, भारत इसके ऊपर लीड भी देगा। हमारे मंत्री जो है इसके अंदर इस सम्मेलन में इन इश्यूज के ऊपर, क्योंकि वास्तविकता में अगर कुछ करना है तो इन वास्तविक मुद्दों से जूझना होगा। G20 भारत में हो रहा है, इसका जियोपॉलिटिकल क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए जियोपॉलिटिकल तो मैं ये कहूंगा कि पिछले करीबन 8-9 साल से जो एक जियोपॉलिटिकल स्तर पे भारत को सम्मान मिल रहा है ये उसमें आगे बढ़ती हुई एक कड़ी और है, क्योंकि बाय रोटेशन आई है ठीक है लेकिन एक कड़ी और है कि जो भारत की नेतृत्व को कई क्षेत्रों के अंदर स्वीकार किया जा रहा है, भारत की उभरती हुई भूमिका को स्वीकार किया जा रहा है, उसको देखते हुए
ये G20 जो है ये एक और कड़ी है, इसे आप वो अंग्रेजी में कहते हैं कि अनदर फेदर, कि भाई आपके एक कली और लगी आपके उसके अंदर। तो मैं समझता हूं कि एक कली लगी और महत्वपूर्ण कली है, क्योंकि इसमें सारे बड़े देशों का प्रतिनिधित्व है। तो ये इसलिए भारत के उस दृष्टि के हिसाब से, और देखिए जिस तरीके से भारत इसको कर रहा है, और देश करते हैं, एक जगह पे वेन्यू रखा, मीटिंग की, चले गए, कर गए। ये वर्तमान सरकार ने जो किया है कि इस सम्मेलन से लेकर कन्याकुमारी तक, इस सम्मेलन को कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, और ये भी ध्यान नहीं दिया कि कौन से प्रदेश में रूलिंग पार्टी है कौन सी नहीं है, एक भारत लेकर के, कि वो यूपी में भी होगा, वो गोवा में भी होगा, वो तमिलनाडु में भी होगा, हैदराबाद में भी होगा, जोधपुर में भी, और नहीं, और इसमें देखिए जो भारत की एक छवि है कि किस तरीके से, तो मुझे हंसी आती है वो जो बाहर लोग जाके रोते हैं वो भी कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। भाई साहब अभी भी कैम्ब्रिज में जाके भाषण दे रहे थे और चीन के गुणगान कर रहे थे, उनसे कोई पूछे कि भैया चीन में कितनी डेमोक्रेसी है जिसके तुम गुणगान कर रहे हो वहां पे जाकर के। तो ये एक जो इसका G20 के, अच्छा आपका इशारा राहुल गांधी की तरफ, राहुल गांधी की तरफ है, बिल्कुल साफ है कि एक चीन के एजेंट की तरीके से तुम बात कर रहे हो। मैंने तो उस दिन ट्वीट भी किया कि भाई वो जो इनकी गुप्त सिद्धि है कांग्रेस की चीनियों के साथ में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, तो एक धारा तो उसके स्पष्ट हो गई है कि जब भी ये इंग्लैंड जाएगा वहां पे चीन के गुणगान करेगा और भारत को गाली निकालेगा। सबूत है इसका ही, मतलब वो संधि की धराएं इन्होंने ऐसी कर रखी है कि इनके पार्टी के प्रवक्ताओं तक को नहीं मालूम कि चीन के साथ हमारी पार्टी की क्या संधि है। मैंने पूछा था इनसे एक डिबेट के अंदर, जवाब नहीं दे पाया मैं, भाई तुम ही बता दो क्या संधि की शर्तें। तो इसलिए ऐसी ताकतों से वो हटकर के जो पूरे भारत की छवि भारत G20 में दे रहा है, बाकायदा हर मिनिस्ट्री की कमेटी बनी है, कल्चर मिनिस्ट्री की अलग बनी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की अलग बनी है, इंडस्ट्री की अलग बनी है, और वो भारत का एक संपूर्ण जो भारत की देखिए कल्चर में जैसे स्थापित कला की बात दिखाई हमने, अब अगर उनको अजंता एलोरा ले जाया जा रहा है तो, और एलोरा का अगर मंदिर दिखाया जा रहा है तो उस मंदिर की किसी ने दुनिया में और कोई उसका रेप्लिका है कि एक ही पर्वत को काट के आज से हजारों साल पहले केवल छेनी से लेके कैलाश पर्वत टेम्पल वहां बना दिया गया और उसका डेविस कहा गया। और आप देखिए मतलब ये जो भारत के प्रक्रियाएं हैं कि भारत की मान लीजिए प्राचीन लोग मजाक में उड़ा देते थे ये तो मिथक है सारे भारत के। अब जब द्वारका के अंदर वो समुद्र के नीचे एक्सकवेशन हो गया और डॉक्टर राव ने निकाल दिया पूरा द्वारका शहर तो सबके मुंह बंद हो गए। तो एक वैज्ञानिक तरीके से जो चीजें सामने आ रही है, आज देखिए ना आपके नासा खुद कहता है कि जो हमारी उस समय की गणनाएं हैं ब्रह्मांड को लेकर के वो कितनी गणनाएं सही है उस फ्रिगेट के लेकर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भारत की कोई सर्वोच्चता दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि जो हम थे, जो आज हम हैं, और आज हम फिर खड़े हो रहे हैं अपने पैरों पर विश्व के सामने, आज भी हम उसी शांति संदेश को लेके कर रहे हैं। लेकिन एक फर्क है सर कि जहां हमने वासुदेव कुटुंबकम की बात की दुनिया के लिए, वन अर्थ की बात कर रहे हैं, वन फैमिली की बात कर रहे हैं, एक भविष्य की बात कर रहे हैं, वहां हम अब ये नहीं कर रहे कि हम अतिथि देवो भवे को अक्रांता देवो भवे बना लें। अब हम इस पर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो मानवता के दुश्मन है, जो शांति के दुश्मन है, उनके साथ हमको वही सख्ती से व्यवहार करना पड़ेगा आतंकवाद से निपटने के लिए। दो सवाल उभर रहे जो महाभारत में दिखाया गया था, बताइए। शब्दावली चली है ग्लोबल साउथ, और कहा जा रहा है कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है, और G20 का ये समिट भारत में होने के बाद में जो ग्लोबल साउथ के लीडर की जो छवि है और बाहर निकल करके आएगी और मजबूत होगी। देखिए ऐसा है, मैं शब्दों की टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगा जी, जो ये ग्लोबल साउथ कह रहे हैं तो भाई फिर अमरीका में लोग मोदी जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं, इंग्लैंड में क्यों तारीफ कर रहे हैं, ब्राजील में क्यों कर रहे हैं? तो ये क्या कोई साजिश है उनको सिर्फ ग्लोबल साउथ बनाने की? हां, नॉर्थ साउथ डिवाइड के क्षेत्र में अगर ये परिभाषा दी जा रही है कि ये माना जाता था कि नॉर्थ वो है विकसित इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है और साउथ डेवलपिंग कंट्री है तो मैं मान सकता हूं, लेकिन ये ग्लोबल साउथ का लीडर जो है ये नॉर्थ को भी आईना दिखा रहा है कि हम लोग क्या है और भारत क्या है इस समय,
मैं समझता हूं कि अगर यही दृढ़ता से भारत चलता रहा, अब देखिए ना कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है भारत, अरे भाई अगर डेमोक्रेसी नहीं होती भारत के अंदर और चीन जैसी सरकार भारत में होती राहुल गांधी जी, तो आप सलाखों के अंदर बंद होते, चीन में गायब हो जाते हैं जो लोग प्रजातंत्र की बात करते या पार्टी डिक्टेटरशिप के खिलाफ बोलते हैं। आप दुनिया भर में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हो जाकर के, फिर भी आपको अरेस्ट नहीं कर रहा भारत। ये है डेमोक्रेसी भारत। इसलिए मैं समझता हूं कि, और एक चीज और देखिए कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देते वो बहुत ही एक जिसे आप कहेंगे कि साधारण तरीके से बता करके, और फिर भारत की बात करते, वही नहीं करते कि मैं मोदी, तो लोग बिना बात के वो चिल्लाते हैं, आप कहते हैं हम 120 करोड़ हम 130 करोड़ लोग, और जो सबका विकास सबका सहयोग सबके उसकी बात सबका जी उसकी बात करते हैं, लेकिन ये लोग जाके लगे रहेंगे इसका नहीं उसका नहीं हो। अच्छा ये G20 के माध्यम से जो हमारी सरकार है वो पूरी दुनिया को कल्चरल इंडिया, एग्रीकल्चरल इंडिया और पॉलिटिकल इंडिया और जो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, शुरू कर दिया बताना, बताना शुरू कर दिया, शुरू कर दूंगा बता, क्योंकि आप देखिए ना अभी बैठ के कहां कहां हुई है जी जी, और सब जगह पे उनका वहां का जो कल्चर है उसका उसका पीरियड है। भाई आप ये देखिए हम क्या क्या डाइवर्सिटी दुनिया के सामने बताए। मेरा तो ये मानना है एक विदेशी को दिल्ली में एक हलवाई की दुकान पे ले जाइए और जितनी मिठाइयां वहां पे होंगी ना उनको देख के वो हैरान हो जाएगा। मेरे साथ तो हुआ है, एक विदेशी को आप अपनी जो ये नमकीन आते हैं ना उस दुकान पे ले जाइए। ये ऐसा देश है कि 40 किलोमीटर इधर उधर होते ही टोपी का तरीका बदल जाता है, घर का तरीका बदल जाता है, वस्त्रों का तरीका बदल जाता है, खान पान का तरीका बदल जाता है, और इस सारे बदलाव के बावजूद भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सांस्कृतिक एकता भारत की रही उसे कोई कभी नहीं तोड़ पाए। अच्छा ये G20 के माध्यम से पहली बार ऐसा होगा कि दुनिया भारत के जो विभिन्न रूप है उनको एक साथ देख पाएगी और जो भारत की विचारधारा है उसको समझ पाएगी, भारतीय प्रजातंत्र की विचारधारा। देखिए ऐसा है बताऊं आपको, इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले करीबन कुछ वर्षों में जो भारत की एक छवि है विश्व के सामने उसमें काफी परिवर्तन आए। हमने देखा है कि पहले भारतीयों को क्या कहा जाता था, कैसे देखा जाता था, और आज भारतीय कैसे सिर उठा करके भारत की बात करते हैं। और देश जेलश है, मैं एक विदेश में था एक कंट्री में, वहां मेरे साथ एक और भी था, कुछ खरीद रहे थे तो वहां बार्गेनिंग बहुत होती, तो बार्गेनिंग हो रही थी तो परेशान हो गया, वो कहता है यू इंडियन यू लुक आफ्टर योर आईटी। इसका मतलब हमारी आईटी का, जो उसने आईटी की बात कही, तो इसका हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो असर दुनिया में पड़ा है कि एक वहां के वो बर्तनों की दुकान थी, बर्तन के दुकान का भी आदमी जो है वो जानता है कि भारत आईटी में क्या कर रहा है। अच्छा प्लीज उसका नाम बताएंगे देश का, चीन की बात कर रहा हूं, शंघाई की बात कर रहा हूं, शंघाई की बात कर रहा हूं, हम लोग गए थे वहां पे जी जी। तो इसलिए ये एक चीज जो है कि आप ये देखिए कि चाहे कोविड की वैक्सीन थी दुनिया भर ने भारत से मंगाई, भारत ने दी, और अभी आप देखिए भारत की वो कि टर्की जैसे देश में जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, भूकंप आने पे भारत ने मदद की, बिना मांगे मदद की। और दूसरी तरफ आपने देख लिया वो पाकिस्तान ने जो उनको मदद भेजी कि उन्हीं की भेजी हुई मदद उन्हीं को वापस डब्बों में डाल के भेज दी। तो मतलब ये करनी और कतरी का फर्क है। कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन की मीटिंग होना, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि भारत की समझ? नहीं नहीं अरे भाई आप अभी देखिए ना कि जो आदमी मोदी जी की कश्मीर नीति की रोज गाली निकालते हैं और आलोचना करते हैं, वो कश्मीर में गुलमर्ग में जाके स्नो स्केटिंग कर रहे थे
और गोले फेंक रहे थे बर्फ के, और अपने भाषण में कह रहे थे कि मैं कश्मीर में गया, हर तरफ झंडे ही झंडे थे, तिरंगे ही तिरंगे थे, और युवाओं के हाथ में तिरंगे थे। और भैया जब तुम्हारा राज था तब कश्मीर में लोगों के हाथ में क्या था, बंदूकें ही बंदूकें थी, तुमने क्या किया था? और ये सब आज होने के बाद में तुम कह रहे हो कश्मीर नीति गलत है, और इसलिए वहां G20 की सबमिट कराना तो अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दुनिया के सामने कि जो ये लोग कश्मीर के बारे में दुष्प्रचार करते थे। बल्कि आज तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो नारे लग रहे हैं कि हमें भारत में मिलना है, सेना को कह रहे हैं, मैं कहीं देख रहा था टीवी चैनल पे आ रही थी, तुम जाओ पाकिस्तान वापस, हट जाओ बॉर्डर से, हमें भारत में मिलने दो। तो इसलिए कश्मीर भारत ने साबित कर दिया दुनिया के सामने कि कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, कश्मीर भारत का एक अंतरंग अंग है और भारत उसे लेके रहेगा, और सारी दुनिया ने मान लिया है इसको, सब चुप होकर के बैठ गए हैं इसके ऊपर, अब कोई नहीं बोल रहा है भारत की जो कश्मीर को लेके नीति है उसका विरोध करने के लिए। वो अब छोटे मोटा कोई कोटार बोल दे या टर्की बोल दे, जब ये पाकिस्तानी अपना कटोरा लेके उनके सामने जाते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन आज पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पे भी अलग खड़ा हुआ है, यहां तक कि चीन तक जो है उसकी तो खैर नीति और है, लेकिन चीन तक भी जो है पाकिस्तान पे इस समय उस मुद्दे को लेकर के आर्टिकल 370 और इन चीजों को लेकर के नहीं बोल। तो दोस्तों अभी आपने देखा कपिल कुमार के भावावेश भरे वक्तव्य को, और उन्होंने बताया कि अब हम अतिथि देवो भव तो कहेंगे लेकिन आक्रांता देवो भव अब कभी नहीं कहेंगे। दोस्तों आज के आई टॉक्स में इतना ही, और हम अगली बार फिर किसी नई अजीमुशान शख्सियत के साथ, नए लोगों के साथ आपकी चर्चा कराएंगे, उनके विचारों से आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।